यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार में डिंपल यादव हिट रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें आखिरी चरणों में मुश्किल सीटों पर प्रचार के लिए उतारकर सीटें अपनी झोली में डलवा ली। कौशाम्बी और जौनपुर में हुई जनसभाओं में सिर्फ एक सीट ही भाजपा के खाते में जुड़ सकी, वो भी बहुत कम मार्जिन के साथ। सिराथू सीट पर सपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल का प्रचार करने पहुंची डिंपल यादव ने जंग का रंग बताकर सीएम योगी के केसरिया पोशाक पर तंज कसा, तो राजनीतिक हलकों में इसकी खूब चर्चा हुई। इसी जनसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने भी वे क्या जाने परिवार क्या होता है का बयान दिया था। हालांकि सुर्खियों में डिंपल ही नजर आई, भीड़ उन्हें सुनने के लिए सभी सीटों पर इकट्ठा हुई। कह सकते हैं कि चुनाव में जहां जहां उन्होंने प्रचार किया 80% सीटें सपा को ही मिली। 25 फरवरी को सिराथू में डिंपल ने पहली जनसभा पल्लवी पटेल के लिए की। पल्लवी के सामने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में थे और भाजपा का पूरा संगठन यहां ताकत झोंक रहा था, लेकिन डिंपल की जनसभा के बाद पल्लवी यहां टक्कर देने की स्थिति में आ गई और आखिरकार जीत भी दर्ज की। इसके बाद 25 फरवरी को कौशाम्बी की ही चायल विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी पूजा पाल के समर्थन में डिंपल ने जनसभा की। यहां पूजा का मुकाबला अपना दल सोनेलाल के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल से था। यहां भी कड़ा मुकाबला हुआ और 88,818 वोट लेकर पूजा पाल ने जीत दर्ज की। डिंपल ने 25 फरवरी को ही मंझनपुर में चुनावी जनसभा की। यहां बीजेपी की तरफ से लाल बहादुर चुनावी मैदान में थे और बीजेपी संगठन उनके लिए प्रचार कर रहा था। डिंपल ने यहां इंद्रजीत सरोज के लिए सिर्फ एक जनसभा की थी, जिसमें उन्हें सुनने के लिए आसपास की सीटों के लोग तक पहुंचे थे और यहां भी इंद्रजीत सरोज ने जीत हासिल की। अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी डॉक्टर आर के पटेल जौनपुर की मडियाहू सीट से खड़े थे, उन्हें सपा की प्रत्याशी सुषमा पटेल चुनौती दे रही थी। 26 फरवरी को डिंपल ने यहां भी जनसभा की। हालांकि यहां कांटे की टक्कर ऐसी थी कि पूरी बाजी सिर्फ 1206 वोटों से ही खिसक गई। यहां डॉक्टर आर के पटेल को 76,007 वोट मिले तो सुषमा को 74,801। सातवें चरण के प्रचार में मछली शहर आता है। मछली शहर से डॉक्टर रागिनी चुनाव लड़ रही थी। सपा की इस डॉक्टर प्रत्याशी के लिए भी डिंपल ने 26 फरवरी को चुनाव प्रचार किया। नतीजा ये रहा कि रागिनी को 91,659 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि 5 चरणों के प्रचार तक डिंपल यादव ने प्रचार से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब वो मैदान में उतरी तो उनका खासा प्रभाव वोट प्रतिशत पर पड़ता हुआ नजर आया।